सुप्रभात और धन्यवाद। मेरा वीडियो लेक्चर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, अब तक हमारा सारा पॉलिसीज डिस्कस हो चुका है, लेकिन इस पॉलिसी में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1985 में लागू किया गया था। इस पॉलिसीज में क्या क्या है, कौन कौन सा साइलेंट फीचर्स है, वो सारा इन डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मिलेगा। सो पहला पॉइंट मैं मेरा पेन ले लेता हूँ। सो पहला पॉइंट है 1958 जब लागू हुआ था। उसके बाद है इसका इम्फोसाइज कब दिया गया था, आप देख सकते हैं द टेक्नोलॉजी पॉलिसी और TFS टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1983 इम्फोसाइज द नीड टू अटेन टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब यह है कि सेल्फ रिलायंस बढ़ाना, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करना, वही इसमें लागू किया गया है। जब कब लागू किया गया है, 1983 में लागू किया गया है। इसको कब रिवीजन किया गया है, 2003 में रिवीजन किया गया है, और जो कि नया पॉलिसीज़ का इंक्लूजन हुआ है जिसमें R&D भी शामिल है। नाउ इंडिया इज़ डिक्लेयर्ड इन 2010 टू 2020 एज डेकेट ऑफ इनोवेशन। इसका मतलब है कि डेकेट ऑफ इनोवेशन, जैसे कि हम मोदी जी जानते हैं लद्दाख में जाकर द एक्सपांसन इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड बट द डेवलपमेंट इज इन द प्रोग्रेस इट मीन्स द डेवलपिंग द नेशन। डेकेट्स ऑफ इनोवेशन इट मीन्स The nation is even developing. इससे यही मतलब है कि गवर्नमेंट डेवलप हो रहा है। नाउ अब पॉइंट इन डिटेल देख सकते हैं। इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड इनोवेशन, द गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रेस्ड द नीड टू इनकलकेट ए पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड ऑल्सो एस्टेब्लिश नेशनल इनोवेशन ऑफ साइंस। जैसे कि हम जानते हैं नेशनल साइंस कांग्रेस, जो कि इनोवेशन की तरफ से बढ़ रहा है, इनोवेशन की तरफ से एक स्टेप बढ़ रहा है। इसमें यही इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आप ये भी नोट कर दीजिए, साइंस रिसर्च इनोवेशन सिस्टम एंड हाई टेक्नोलॉजी लीड इम्फाथ इन द इंडिया। सो आई कैन से श्री सिद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, श्री सिद्ध ऑप्शन में आ सकता है। इसमें क्या क्या आएगा, साइंस रिसर्च इनोवेशन सिस्टम फॉर हाई टेक्नोलॉजी लीड पाथ फॉर इंडिया। यही इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिए। SHRI, आप ये भी श्री सत आप इंडियन प्लेयर की तरफ से भी जान सकते हैं श्री सत। सो श्री सत का मेन पॉलिसीज़ क्या क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या क्या है, इन डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्रमोटिंग द स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक टेम्पर अमंगस्ट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब है कि साइंस इनोवेशन का बढ़ावा देना। एनहांसिंग स्किल ऑफ एप्लीकेशन, इसका मतलब न्यू इनोवेशन करना, साइंस एग्जीबिशंस करना। मेकिंग करियर इन साइंस, इसका मतलब है साइंस रिसर्च इनोवेशन इसरो में एक स्टेप का योगदान देना। तो एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर R&D फॉर गेनिंग ग्लोबल लीडरशिप इन सम ऑफ द इलेक्टेड फॉरेन ट्रेस एरियाज ऑफ साइंस। इसका मतलब यह है कि DRDA में भी काम करना, साइंस रिलेटेड वर्क्स करना, साइंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा देना, वही फोर्थ नंबर पॉइंट में दर्ज किया गया है। अगर फिफ्थ नंबर पॉइंट देखें तो पोजीशनिंग इंडिया अमंग द टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक पावर बाय 2020, लिंकिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम विद इन द इंक्लूजन इकोनॉमी ग्रोथ एजेंडा एंड कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सीलेंस एंड रिलेवेंस। इसका मतलब यह है कि हमारा लिंकेज रखना इनोवेशन की तरफ से, इन्वॉल्विंग रखना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए साइंस की तरफ से, वही इसमें लिखा गया है। अगर सेवन्थ नंबर पॉइंट देखें तो क्रिएटिंग एन इन्वॉल्वमेंट फॉर एनहांसिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन R&D, एनहांसिंग कंजर्वेशन ऑफ R&D आउटपुट इन टू सोसाइटी कमर्शियल एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट्स जो भी आएगा साइंस रिलेटेड, उसको एप्लीकेशन की तरफ से देखे तो, एग्रीकल्चर की तरफ से देखे तो, उनका भी सीकिंग ऑफ यूजफुलनेस भी रखना चाहिए। अगर देखें तो 9th नंबर पॉइंट, सीकिंग S&T बेस्ड हाई रिस्क इनोवेशन थ्रू न्यू मैकेनिज्म फ्रंटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम ऑप्टिमाइज कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन एस ए साइज एंड टेक्नोलॉजी डोमेन ट्रिगरिंग एंड एनहांसिंग। इसमें एक से लेकर 12 पॉइंट तक सारा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको ये रखना चाहिए, श्रीनाथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद।